उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और विधानसभा उपचुनाव के नामांकन की 25 अक्टूबर को आखिरी तारीख थी। मिर्जापुर के मझवा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है, जिस पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने अपनी दावेदारी की थी, लेकिन उन्हें बीजेपी ने ये सीट ऑफर नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपने पार्टी के पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दे दिया है। सुचिस्मिता मौर्य को टिकट मिलने और नामांकन करने से निषाद पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रही पुष्पालता ने बगावत शुरू कर दी है। पुष्पालता बिंद के पति हरिशंकर बिंद ने निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद पर बड़ा आरोप लगाया है। हरिशंकर बिंद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि संजय निषाद टिकट देने के नाम पर मिर्जापुर से लेकर लखनऊ दिल्ली तक बुलाकर लोगों का शोषण करते हैं और मेरा भी इन्होंने शोषण किया है। 10 लाख रुपए दिल्ली में बुलाकर इन्होंने नगद हमसे लिए और इसके साथ ही आवेदन शुल्क के नाम पर 5 लाख रुपए और नगद लेने का उन्होंने संजय निषाद के ऊपर आरोप लगाया। यही नहीं रुके वो, उन्होंने आगे कहा कि जो भी मिर्जापुर में कार्यक्रम पार्टी के होते थे उसके कार्यक्रम के और गाड़ियों के खाने पीने तक का खर्चा उन्हें उठाना पड़ता था। साथ ही जो भी निषाद पार्टी के पदाधिकारी यहां आते थे 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का विदाई लेकर जाते थे। 6 महीने के अंदर 50 लाख रुपये से ज़्यादा कार्यक्रम और विदाई के नाम पर मैंने खर्च कर दिए हैं। टिकट फाइनल होने पर 2 करोड़ रुपये की डिमांड भी थी। संजय निषाद हमें 6 महीने से बेवकूफ़ बनाकर हमें धोखा दिया है। हमारा समाज इस चुनाव में इनको धोखा देगा। हम भी घर घर जाकर अपने समाज से अपील करेंगे कि इनको धोखा दीजिए। निषाद पार्टी के लोग नामांकन के आखिरी दिन तक आश्वासन देने का काम हमसे करते रहे, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। कि मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मेरा जो टिकट का मामला है, सबसे पहले मैंने संजय निषाद से 8 जून को ना 3-4 को था तो हमको 2 जून को बुलाया दिल्ली। संजय निषाद है, बाबू लाल प्रदेश सचिव हैं, उनके माध्यम से हमको फोन आया कि आपको बाबू जी ने दिल्ली बुला रहे हैं। 2 लोग गए थे, चंद्रमा बिंद और हम दिल्ली गए थे और 3 तारीख को हमारी उनसे मुलाकात दिल्ली में उनके आवास। उन्होंने हमसे कहा कि हम तुम्हें विधायक तो पहले बना देते लेकिन तुम मेरे पास आए नहीं, हमने तुम्हें 10 बार मौका दिया लेकिन हमका बाबूजी अब तो हम आ गए हैं। कह कि ठीक है, टिकट मैं आपको दूंगा और आप 4-5 दिन के बाद लखनऊ में मिलिए। और जैसे ही मैंने लखनऊ में मिला तो वहाँ से फिर मुझे फ़ोन किया गया कि आपको आवेदन शुल्क देना है। आवेदन शुल्क के नाम से जो फार्म भरा जाता है उसमें लिखा था 5 लाख रुपये जमा करना। हमने वो 5 लाख रुपया आवेदन शुल्क जमा किया। हम उसी दिन निषाद पार्टी को ज्वाइन किया और हमने सारे प्रोग्राम उस दिन के बाद से जितने भी प्रोग्राम हुए उनके आने जाने मल्यार्पण से लेकर जितने खाना से लेकर डीजल से लेकर सारे पैसे का वाहन मुझे देना पड़ा। छोटे छोटे प्रोग्रामों में जो 10-20 हज़ार खर्च होता था मुझसे 50,000 1 लाख हमने देते रहे। यहाँ तक कि वो लोग जब जाते थे विदाई के नाम से भी 50,000 1 लाख रुपया हर व्यक्ति। इसी तरह से मेरा शोषण होता रहा और मुझे सिर्फ यह कहा गया कि आपका टिकट फाइनल है। उधर इस बारे में संजय निषाद से पूछे जाने पर संजय निषाद ने इन आरोपों को गलत ठहराया। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने टिकट के बदले पैसा मांगने के पुष्पलता बिंद के पति के आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कभी टिकट के लिए किसी से कोई डील नहीं की। संजय निषाद का कहना है कि कुछ लोग झूठे आरोप लगाकर पार्टी को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। भाजपा के साथ निषाद पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। निषाद ने यह भी कहा कि उनका लीगल सेल अब इस मामले में कार्रवाई करेगा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए मिर्जापुर से राजू भारती की रिपोर्ट।